नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेरक और आप देख रहे हैं मेरा टेक्निकल न्यूज चैनल टेक टू डेट प्रेरक। ये वीक के कुछ टेक्निकल न्यूज जो मैं लेकर आया हूँ वो कुछ मेडिकल साइंस रिलेटेड है, कुछ जो अपकमिंग मोबाइल है उसके रिलेटेड है, कुछ नए सीपीयू जो इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया उसके रिलेटेड है। सो सबसे पहले जो न्यूज निकल कर आता है, जो सबसे पहले मुझे लगा कि ये न्यूज आपको सुनाना चाहिए प्रायोरिटी में, वो है मेडिकल साइंस रिलेटेड। तो अभी तक अगर कोई एम्प्यूटीज है, अनफॉर्चुनेटली जिसके लेग्स नहीं है, उसको अगर रोबोटिक्स आर्म लगाना है तो वो रोबोटिक्स आर्म यूज टू होने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक आर्म का रिसर्चर्स ने इंटीग्रेशन किया। एम्प्यूटीज है उसको पहनकर हार्डली 10-15 मिनट्स एक्सरसाइज या प्रैक्टिस के बाद उसको पहनना, रेगुलर पहनना स्टार्ट कर सकता है। उसमें जो एल्गोरिथम है वो ट्रायल एंड एरर एंड सेफ मोशन एल्गोरिथम यूज हुआ है, जिसकी वजह से जो पहनने वाला है एम्प्यूटीज है वो कुछ ही मिनटों में एक्सरसाइज के बाद एकदम सेफली उसको कोई भी सरफेस है उसमें पहनकर चलना स्टार्ट कर सकता है। तो ऐसे ही कुछ और मेडिकल साइंस रिलेटेड जो न्यूज़ है वो है स्टेटोस्कोप्स के बारे में। ये जो स्टेटोस्कोप के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो है स्मार्ट स्टेटोस्कोप। जनरल स्टेटोस्कोप से वो अगर डॉक्टर पेशेंट्स को सुनने का ट्राई करता है तो उसमें आजू बाजू जो भी नॉइस है वो भी उसको सुनाई देता है, और उसकी वजह से जो डायग्नोस्टिक्स है वो काफ़ी टाइम एक्यूरेट डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर को बहुत ही डिफिकल्ट होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए रिसर्चर्स ने एक एक्टिव एकोस्टिक फिल्टरिंग वाला स्मार्ट स्टेटोस्कोप है वो इजाद किया है। आजू बाजू जो भी नॉइस है वो फिल्टर हो जाता है और सिर्फ जो ब्रीदिंग है और या तो हार्ट बीट है या ब्रीदिंग है, सिर्फ उसका ही आवाज डॉक्टर को सुनाई दे रहा है और वो डॉक्टर को एक्यूरेट डायग्नोस करने में हेल्पफुल होता है। वो कैसे किया, तो ये रिसर्चर्स ने लैब में काफ़ी सारे नॉइस, मैक्सिमम नॉइस लेवल है उसको एक आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया, उसके अलावा जो काफ़ी सारे ब्रीदिंग वॉइस है उसको भी प्रोड्यूस किया, और एक लैब में एक्चुअल जो ब्रीदिंग के वॉइस है वो और जो नॉइस है वो उसको फिल्टर किया एक्टिव एकोस्टिक फिल्टरिंग टेक्निक की वजह से, और उसकी वजह से डॉक्टर को जो सुनाई दे रहा है वो सिर्फ आपका जो एक्चुअल ब्रीदिंग है वो सुनाई दे रहा है। बढ़ते आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो आइकन का A5 सिंप्लीफाइड एरोप्लेन, स्पोर्ट्स एरोप्लेन की न्यूज़ है। नॉर्मली अगर आपको पता होगा कि अगर पायलट्स को कमर्शियली उड़ान करना है, फ्लाई करना है, तो बहुत सारे आवर, थाउजेंड्स ऑफ आवर्स उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। पहले सिमुलेटर पे प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद काफ़ी सारे थाउजेंड्स ऑफ आवर अगर उसने एक्चुअल फ्लाइंग प्रैक्टिस किया उसके बाद ही उसको कमर्शियल लाइसेंस मिलता है। लेकिन आइकन का जो A5 एरोप्लेन है, सिंप्लीफाइड स्पोर्ट्स एरोप्लेन है, वो एरोप्लेन कुछ ही घंटों में रफली 20 आवर्स का प्रैक्टिस के बाद कोई भी लेमैन उसको स्टार्ट कर सकता है। कैसे, बिकॉज उसमें सिंप्लीफाइड कॉकपिट है, स्मार्ट टूल्स है, स्मार्ट गैजेट्स है उसके अंदर, और जो कंट्रोल्स है विंग कंट्रोल्स वो भी स्मार्ट है, स्पिन रेजिस्टेंस भी उसमें इंट्रोड्यूस किया है जिसकी वजह से वो रेगुलर एयरक्राफ्ट के बजाय ये जो आइकन A5 है वो काफ़ी सारा सेफ और इजी टू हैंडल है, जिसकी वजह से कोई भी लेमैन उसको उड़ा सकता है। अगला न्यूज़ जो निकल कर आता है वो MIT इंस्टीट्यूट है, उसने कुछ ऐसा लेज़र टेक्निक इंट्रोड्यूस किया है जिसकी वजह से अगर आपको कोई टोन्स या स्पीच या तो म्यूजिक किसी को सुनाना है तो वो लेज़र की वजह से आप डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली आपके एयर को वो पेनेट्रेट करेगा और आपको आपके एयर में वो जो लेज़र है वो आपको स्पेसिफिक ट्यून्स या स्पेसिफिक वॉइस, रिकॉर्डेड वॉइस या तो टोन्स आपको सुनाई देगा। बट
बहुत ही एक्साइटिंग लगा मुझे। एक लेजर सीधा आपके कानों पर आता है और आपको सीधा ही आपको आवाज सुनाई देता है, रिकॉर्डेड वॉइस सुनाई देता है या म्यूजिक सुनाई देता है। पता नहीं इसके क्या क्या कमर्शियली एडवांटेजेस और यूज केसेस रहेंगे, वेट एंड वॉच, जल्द ही शायद पता चलेगा। उसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज है वो इंटरनेट के एडिक्शन के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कौन सा देश सबसे ज्यादा इंटरनेट एडिक्टेड है? मैं आपको बताता हूँ, फिलीपींस। फिलीपींस में जो अभी हाल ही में एक रिसर्च हुआ, उसके अलावा उसके मुताबिक एवरी फिलीपीन पर्सन एवरेज 10 आवर 2 मिनट्स। जी हाँ दोस्तों, 10 आवर 2 मिनट्स एवरेज एवरी डे इंटरनेट के पीछे अपना समय बर्बाद या आबाद करता है। जो सबसे लास्ट या सबसे लीस्ट है वो जापान है, वो सिर्फ 3 आवर्स 45 मिनट्स स्पेंड करता है एवरेज पर डे। जापानीज जो है वो 3 आवर्स 45 मिनट्स एवरेज स्पेंड करता है, सबसे कम। और जो एवरेज है इंटरनेट स्पेंड करने का जो एवरेज पूरे वर्ल्ड में है वो 6 आवर 45 मिनट्स एवरेज है। और उसमें जो नेक्स्ट लेवल है, मीनिंग आफ्टर फिलीपींस जो नेक्स्ट लेवल है वो ब्राज़ील, इंडोनेशिया और थाईलैंड है, जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट के एडिक्टेड है। दोस्तों एक एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी, आपने एनर्जाइजर का नाम सुना होगा, एनर्जाइजर जो कंपनी है वो सबसे ज़्यादा बैटरी वाला फ़ोन इंट्रोड्यूस कर रहा है बार्सिलोना में, जो आने वाले हैं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, फरवरी के एंड में जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस होने वाला है उसमें वो इंट्रोड्यूस करने वाला है। आप कुछ गैस कर सकते हो वो कितना एमएच का बैटरी वाला फ़ोन इंट्रोड्यूस करने वाला है? 5000, 6000, 8000? नो, इट विल बी 18000 mAh। पावर हाउस हो गया, फोन नहीं है, पावर हाउस है जिसमें आप उसको चार्जर की तरह भी शायद इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज निकल कर आता है वो इंटेल है। इंटेल ने सबसे फास्टेस्ट 28 कोर का जियोन W3175X जो जिसका नेटिव स्पीड है वो 3.1 GHz है और जो टर्बो बूस्ट उसको करते हैं तो 4.x टर्बो बूस्ट स्पीड मिलेगा और 38.5 MB उसका स्मार्ट इंटेल कैश है। तो 28 कोर और 56 थ्रेड्स का इंटेल का ये सबसे लेटेस्ट और सबसे हाईएस्ट स्पीड वाला प्रोसेसर है। उसके अलावा मैं बताऊँ तो सैमसंग अभी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में S10 का फोन लेकर आने वाला है, 20th को वो अनाउंस करेगा S10, जिसमें आपको 128 GB से लेकर 1 TB तक का स्टोरेज मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 1 TB फोन में, और उसका जो थ्रूपुट होगा वो भी 1000 का जो मेगाबाइट पर सेकंड है उसका थ्रूपुट होगा, जिसकी वजह से आप हाईएस्ट क्वालिटी 4K वीडियो भी आपके फोन में देख सकते हैं। जो कैमरा होगा वो पंच होल जैसा दिखता है वैसा कैमरा होगा और रियर में 3 कैमरा रहेगा। उसके अलावा वो 5G फोन होगा और ये जो 1 TB का जो स्टोरेज है वो सैमसंग ने इंडस्ट्री का फर्स्ट एम्बेडेड यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज जिसको eUFS टेक्नोलॉजी बोलते हैं वो वॉल चिप निकाला है, जिसमें आपको 1000 MB पर सेकंड थ्रूपुट मिलेगा, जिसकी वजह से 4K HD छोड़ दीजिए, UHD छोड़ दीजिए, 4K वीडियो स्मूथली प्लेबैक होगा आपके मोबाइल में डायरेक्टली। हुआ भाई 24 फरवरी को 5G फोन, नॉट ओनली 5G, फोल्डेबल फोन इंट्रोड्यूस करने वाला है बार्सिलोना के वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस में। सो बार्सिलोना का जो ये वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, मैं उसका बेसब्री से इंतजार करूंगा और जैसे ही मुझे कुछ न्यूज आया सबसे पहले आपको रखने का कोशिश करूंगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये पसंद आया तो आप उसको लाइक कर सकते हैं और आपके फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच मेरा ये टेक्निकल न्यूज वाला एपिसोड सुनने के लिए। जल्दी मैं लेकर आऊंगा एक और टेक्निकल न्यूज, तब तक के लिए थैंक यू अगेन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।